हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट प्लेंस मैं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और हम पढ़ रहे हैं क्लास एट की गुलमोहर बुक यस एंड यस मी विद माय इंटायर टीम हियर ऑल योर फेवरेट टीचर्स वी हैव मेड श्योर कि क्लास सिक्स टू क्लास एट के सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट रेडी है सो दैट यू कैन गेट कंप्लीटली लाइक फुल मार्क्स इन योर एग्जाम्स So, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है और आपको भी अपनी तैयारी करनी है कोई भी डाउट्स होते हैं का एक क्लास एट की लिटरेचर बुक गुलमोहर का एंड द नेम ऑफ द पोम इज अनफोल्डिंग बड अनफोल्डिंग बड बड मतलब क्या होता है कली बंद कली अनफोल्डिंग फोल्डिंग एंड दिस पोम हैज बिन रिटन बाय नाउ शी कोरियामा अब ये जो पोम है इट्स अबाउट इट्स अबाउट अ पोम तो पोम है ये पोम के बारे में है मतलब जब हम आ, एक कली होती है आपके घर में फ्लावर्स होंगे पॉट्स होंगे या आपने कभी भी कोई फूल देखा होगा तो जब कली होती है वो बंद होती है सो so, आप जब कली को देख के ओ गॉड इतनी ब्यूटीफुल कली ऐसा नहीं होता लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व करते रहते हो तो एक दिन कली एकदम छोटी होती है जिसके जो पूरी ग्रीन लीव से कवर्ड होती है उसके बाद उसका कलर आने लगता है उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी खिलने लगती है जैसे जैसे वो खिलती जाती है उसका कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होता है और जब वो फुल ब्लूम कर जाता है जब वो एक फ्लावर बन जाता है तब वो बहुत सटी लगता है ऐसा होता है लेकिन क्या पहले ही दिन वो इतना प्लटी लग जाता है नहीं उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है उसको धीरे धीरे समझ में आता है वो राइट धीरे धीरे उसका कलर जो होता है वो रिच होने लग जाता है सिमिलरली जब आप कोई पोम पढ़ते हो तो पहली बार में ऐसे आपने टक 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 पढ़ लिया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा सब इधर से जुप करके चला जाएगा फिर आप दूसरी बार पढ़ते हो फिर आपको लगता है अच्छा ये जो है शायद इस बारे में बात कर रहा है फिर आप फिर से पढ़ते हो उसके वर्ड्स का मीनिंग समझते हो अगर उसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच लिखी हुई है उन्हें समझते हो और तब कहीं जा आपको लगता है ओ ये पोम तो ये बात कर रही है एंड देन यू फाइंड द पोम वेरी इंटरेस्टिंग तब आपको लगता है अरे ये पोम तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसका मैसेज बहुत अच्छा है इसका थीम बहुत अच्छा है तो जिस तरीके से इस पूरी जो पोम अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें पोइट जो हैं उन्होंने क्या किया है एक बर्ड को एक पोम से कंपेयर किया है मेटाफोरिकली सिमिली भी यूज करी हुई है जो हम आगे सब कुछ समझेंगे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय नोइंग आर पोइट सो नाउ शी कोरियामा इज़ अ जैपनीज़ पोइट स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रिटर्न टू टीच इन जापान तो ये एक जैपनीज पोइट हैं जो कि जिन्होंने यूएस जाके लिटरेचर में पढ़ाई करी और फिर वापस पढ़ाने के लिए वो जापान आ गई ही जापान Japan, Japan आ गई ही बिगेन टू राइट पोम्स वाइल ही वॉज़ अवे फ्राम होम एंड वेंट ऑन टू पब्लिश नाइन कलेक्शंस इन इंग्लिश बिइाइज थ्री ट्रांसलेटेड फ्राम जैपनीज तो जब वो घर से दूर थे तब उन्होंने पोम्स लिखना स्टार्ट कर दिया एंड देन उन्होंने अपने नाइन पोम्स के कलेक्शंस जो थे उन्हें पब्लिश कराया इंग्लिश में जिसमें से थ्री उन्होंने जैपनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे He has recently published a collection entirely in Japanese. उन्होंने अभी एक का पूरा का पूरा 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 किया है पूरा में। फ्लावरिंग ऑफ अ the लिली टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एक वाटर लिली जो होता है उसके खिलने को कंपेयर किया गया है एक पोम की अंडरस्टैंडिंग से इट इज अंपल पोम बट रिच इन मीनिंग बहुत सिंपल पोम है सिंपल वर्ड ओनली थ्री स्टेंसर्स लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ पोम वन इज अमेज बाय अ वाटर लिली अन फोल्डिंग विद ईच पैसिंग टे टेकिंग ऑन विचर कलर एंड न्यू डायमेंशन वन इज़ अमेज मतलब लोग जो होते हैं वो कितने ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं वो कितने अमेज्ड हो जाते हैं बाय अ वाटर लिली वॉट इज़ अ वाटर लिली वाटर लिली जो है एक लोटस की तरह एक फ्लावर होता है जो कि वाटर के सरफेस पे खिलता है बाई अ वाटर लिली अनफोल्डिंग जब वाटर लिली खिल रही होती है विथ ईच पासिंग डे हर दिन जैसे वो थोड़ा थोड़ा खिल रहा होता है टेकिंग ऑन और रिच और कलर जिसमें उसका कलर जो है रिच होता जाता है वाइब्रेंट हो जाता है एंड न्यू डायमेंशंस एंड न्यू डायमेंशंस मतलब एक जो कली होती है वो छोटी होती है फिर लेकिन जैसे जैसे फूल बड़ा होता है खिलता है उसके डायमेंशन उसका साइज बढ़ जाता है सो so, एक कोई भी इंसान जो है जब एक वाटर लिली के बर्ड को देख जब एवरी पासिंग डे दे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा अमेज हो जाता है ये देख के कि, कि किस तरीके से उसका डायमेंशन बढ़ रहा है किस तरीके से वो एक रिच कलर को लेता जा रहा है वन इज नॉट अमेज एट अ फर्स्ट ग्लांस बाई अ पोम विच इज एज टाइट क्लोज एज अ टाइनी बर्ड वन इज नॉट अमेज एट अ फर्स्ट क्लांस एक कली को जैसे ही आप देखते हो जो कली बड़ा बड़ी छोटी सी है पूरी ग्रीन कलर की लीफ से जो है ढकी हुई है उसको देखते ही आपके अंदर कोई सरप्राइज कोई अमेजमेंट कोई फैसिनेशन नहीं आएगा बाय अ पोम विच इज एस टाइट क्लोज एज अ टाइनी बर्ड अब यहाँ वो कंपेयर कर रहे हैं इस एक पोम से जैसे की एक पोम जो होती है जब आपने पोम को नहीं पढ़ा है तो वो एक कली की तरह टाइटली क्लोज्ड है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते आपको नहीं पता कि उस कली को देख के इसमें कैसा फूल फ्लार आएगा इसका कलर कैसा होगा इसका डायमेंशन क्या होगा इसका साइज क्या होगा येट वन इज सरप्राइज टू सी द पोम ग्रेजुअली अनफोल्डिंग लेकिन जैसे जैसे आप उस पोम को समझना समझने की कोशिश करते हो पढ़ने लग जाते हो तो हम सरप्राइज हो जाते हैं उसको समझ के रिवीलिंग इट्स इन रिच इनर सेल्फ जैसे जैसे आप पोम को समझने लग जाते हो तो वो अपनी जो है इनर सेल्फ को उसका जो रिच इनर सेल्फ है उसकी जो रिचनेस है वो उसको एक्सप्लेन करने लग जाती है एज वन रीड्स इट अगेन एंड ओवर अगेन एज वन रीड्स इट ओवर एन

आप कैसे अमेज्ड हो जाते हो वैसे ही जब एक पोम को आप समझते हुए बार बार उससे पढ़ते हो उसके डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करते हो तो उसको पढ़ के भी आप बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाते हो दैट इज इट इतनी ही पोम है हमारी सो ना विल सी द समरी ऑफ दिस पोम दिस इज अ सीमिंगली सिंपल पोम विद अ डीप एंड प्रोफाउंड मीनिंग स्पैनिंग मल्टीपल लेवल्स ये एक बहुत ही सिंपल पोम है जिसका एक डीप और प्रोफाउंड मीनिंग है और ये बहुत अलग अलग लेवल पे जाती है वी आर अमेज एट द इंक्रीजिंग ब्यूटी ऑफ द वॉटर लिली एज वी वॉच इट एंडफोल्ड एट इट्स ओन पेज डे बाई डे हम जो है एक वाटर लिली को खिलते हुए देख के दिन दिन पर दिन जब हम उसे देखते हैं वो इन हो रहा है बड़ा हो रहा है उसका कलर ब्यूटीफुल हो रहा है वो देख के हम बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाते हैं एन ऑर्डनरी लुकिंग बर्ड ओपन्स आउट टू रिवील पेटल्स ऑफ डेलीकेट शेड्स मेसमराइजिंग अर्स विद स्टेटली एलिगेंस एक सिंपल सा ऑर्डनरी लुकिंग बर्ड होता है लेकिन जब वो खिलता है अपने पेटल्स को रिवील करता है जिसमें ब्यूटिफुल डेलीकेट शेड्स हैं तो वह हमें मेस्मराइज कर देता है अपनी सॉफ्टनेस से अपने एलिगेंस से

कली की तरह है जिसको देख के आप नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है लेकिन जब आप उसे कंटिन्यूसली बार बार पढ़ने लग जाते हो तब क्या होता है आप उसके डीपर मीनिंग को एंजॉय करने लग जाते हो जैसे कि एक वॉटर लिली को ब्लूम करते हुए देख के आप अमेज हो जाते हो वैसे इस पोम को समझ के आप अमेज हो जाते हो यस yes? The first verse is an image of beauty of beauty a blooming water lily bud. Its rich color and graceful height are left to the imagination of the reader who sees the flower through his mind's eye. यहाँ आपको फ्लार के बारे में कुछ नहीं बताया गया है लेकिन यहाँ पे रीडर जो है उसे इमेजिन करता है जो पूरा जो फर्स्ट स्टैंडा है उसमें जो है water लिली एक ब्लूमिंग water लिली के बारे में बताया गया है कि उसका जो रिच कलर है उसकी ग्रेसफुल हाइट है ये सब कुछ बहुत beautiful है और रीडर को अमेज

यू नो देशर देर मीनिंग तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो सेकेंड वर्स में हमने एक कंपेरिजन और एक कॉन्ट्रास्ट बताया है कि वाटर लिली को देख के हम बहुत ज्यादा अमीज फील करते हैं लेकिन एक बर्ड को देख के आप कुछ फील नहीं करते वैसे ही जैसे एक पोम को पहली बार के पढ़ के आप कुछ फील नहीं करते ओके नाउ लेट सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम इज वेल द पोम अनफोल्डिंग बर्ड इज रिटन बाई जैपनीज पोएट नावशी कोरियामा दिस पोम कंपेयर द फ्लावरिंग ऑफ अ वाटर लिली टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पोम ये मैंने एकदम सिंपल उसमें लिखा है कि अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप ये भी लिख के आ जाओगे तो यू विल गेट मार्क्स

Every poem needs to be read multiple times before it can be fully understood and appreciated. हर पोम को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है बिफोर यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट एंड अप्रिशिएट इट अ शॉर्ट स्टोरी इन कंट्रास्ट टेक्स जस्ट वन रीडिंग फॉर इट टू बी अंडरस्टेंड ये शॉर्ट स्टोरी की तरह नहीं है कि आपने जो है हेयर और टोटो इसकी स्टोरी पढ़ ली और आपको एक बार में समझ में आ गई तो पोम्स के साथ ऐसा नहीं होता

मीनिंग को रिवील करने के लिए फर्स्ट रीडिंग ऑफ अ पोम इज कंपेयर टू अ क्लोज बर्ड दिस इज नॉट सरप्राइजिंग एट मोस्ट ऑफ द पोम्स डू नॉट रिवील देयर फुल मीनिंग एंड मैसेज अंटिल दे हैव बीन रेड ओवर एंड ओवर अगेन ये जो पूरी जो फर्स्ट रीडिंग है इस पोम को एक क्लोज बर्ड से कंपेयर किया गया है और ये सरप्राइजिंग नहीं है बिकॉज ऐसा होता है कि पोम को पढ़ने के बाद पहली बार में आपको वो समझ में नहीं आती बट एज यू रीड इट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन देन यू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग द डीपर मीनिंग ऑफ द पोम द थीम एंड द मैसेज ओके नाउ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोम Does the water lily open up that is bloom quickly over a night or day or gradually over a few days? What suppose your answer? तो पहला question बहुत ही simple है कि water lily एक ही दिन में खिल जाती है एक ही रात में खिल जाती है या it takes a period of days. द वॉटर लिली ब्लूम्स ओवर सेवर डेज उसको कुछ दिन लगते हैं ब्लूम होने के लिए द फर्स्टर टॉक्स अबाउट हाउ द वॉटर लिली ब्लूम्स एंडजा है उसकी लाइन्स हमको ये चीज एज ए प्रूफ बताती है कि जो वॉटर लिली है वो ब्लूम करता है विथ ईच पैसिंग डे टेकिंग ऑन न्यू कलर्स एंड ग्रोइंग ऑन ग्रोइंग इन साइज वट इज अमेजिंग अबाउट दैट प्रोसेस ऑफ Opening up, what डू थिंग change every day? इस opening up की process में amazing क्या है और कौन सी चीज है जो कौन सी दो चीजें हैं जो every day change होती है So as the water lily opens up, the colors and the dimensions change. जो ये water लिली है जब वो ओपन होती है तो कौन सी दो चीजें हैं जो चेंज होती है एक उसके कलर्स और एक उसका डायमेंशन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ साइज Next question क्वेश्चन इज is इज is first फर्स्ट रीडिंग ऑफ अ compared to? टू डू वी फाइंड surprising? सरप्राइजिंग द फर्स्ट रीडिंग ऑफ अ is इज to टू closed बर्ड जो फर्स्ट रीडिंग मतलब जब हम पोम को पहली बार पढ़ते हैं तो उसे किससे कंपेयर किया गया है एक बंद कली से कंपेयर किया गया है This is not surprising as most poems do not reveal their full meaning and message until they have been read over and over again. और ये surprising इसीलिए नहीं है because हम ये चीज़ समझते हैं कि बहुत सारी poems ऐसी होती है जिसको पढ़ के पहली बार में आपको उसका meaning समझ में नहीं आता You have to read it over and over again so that you understand the theme and message of the poem. Next है when we when are we actually surprised about the poem? What causes it? कब हम एक्चुअली पोम को देख के सरप्राइज हो जाते हैं वी वी आर बाय द द पोम हैव रेड इट मेनी टाइम्स एज पोम्स मीनिंग स्लोली रिवील्स टू अस कब हम पोम को देख के सरप्राइज होते हैं जब हम उसे दो तीन बार पढ़ लेते हैं और जब उसका एक्चुअल मीनिंग हमको समझ में आता है तब उस पोम को देख के हम अमेज हो जाते हैं सरप्राइज होते हैं क्यों क्योंकि दो तीन बार पढ़ने के बाद उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो हमें रिवील करता है ओके okay? does the poem just unfolds as time passes or does it happen when we do something a few times what do we have to do ab question hai hamare paas does the poem just unfold as time passes or does it happen when we do something a few times jo poem hai aapke samne rakhi hui hai आप उसको देख रहे हो पढ़ नहीं रहे हो अपने आप रखे रखे दो तीन दिन बाद वो अपना meaning बता देगी नहीं बताएगी क्या करना पड़ेगा यू विल हैव टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट सो द पोम अनफोल्ड व्हेन द रीडर रीड्स इट मेनी टाइम्स अपने आप कुछ नहीं होता नेक्स्ट इज द वॉटर लिली ग्रोज लार्जर इन साइज एंड गेट्स अ डीपर कलर एज इट अनफोल्ड्स वॉट डज द पोम डू जैसे जैसे वाटर लिली जो है वो ग्रो होता है तो उसमें एक डीप कलर आ जाता है प्लस उसका डायमेंशन उसका साइज बढ़ जाता है पोम के साथ क्या होता है द पोम ओपन्स अप एंड रिवील्स इट रिच इनर सेल्फ पोम जो है वो ओपन अप होती है मतलब पोम जो है हमें अच्छे से समझ में आती है और उसका जो डीप इनर सेल्फ है वो हमको समझ में आ जाता है नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक द स्पीकर स्पीक्स ऑफ द वॉटर लिली अनफोल्डिंग रादर देन ब्लूमिंग थिंक ऑफ द मेन पॉइंट सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स अभी पोइट ये भी तो कह कह सकता था कि वो जैसे वॉटर लिली ब्लूम होती है लेकिन ब्लूम होने की जगह उसने वर्ड यूज किया है अनफोल्ड होना अनफोल्ड मतलब एक तरह से बड फोल्डेड होता है एक एक करके वो अनफोल्ड हो रहा है तो उन्होंने अनफोल्ड वर्ड यूज क्यों किया है द वर्ड अनफोल्डिंग ब्रिंग्स आउट द सिमिलैरिटी बिटवीन द फ्लावर एंड द पोम अगर ब्लूम बोलेंगे तो पोम ब्लूम नहीं करती लेकिन अनफोल्ड जब बोला तो यहाँ पे वो पोम जो है पोम से जो वॉटर लिली के जो ओपन अप होने को जो है वो उसको सिमिलैरिटी दे सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं वाइल द फ्लावर अनफोल्ड्स टू रिवील इट्स कलर्स द पोम अनफोल्ड्स टू रिवील इट्स इनर मीनिंग जो फ्लावर है वो अनफोल्ड होता है उसके रिच कलर को शो करने के लिए सिमिलरली जो पोम है वो रिवील होती है वो Unfold होती है to reveal its true rich inner self. What words describe the state of the poem when it is first seen? Why have these words, those words been used? तो यहाँ पे कौन से words हैं? जब poem जो है उसको जब पहले देखा जाता है तो कौन से words used किए उसे describe करने के लिए? The words used to describe the poem are tight, close and tiny bird. टाइट क्लोज मतलब जो आपको समझ में नहीं आती टाइनी बर्ड जिसको देख के आपको इनर ब्यूटी है पोम की जो लिटरल मीनिंग है इनिशियली रीडर के लिए इट इज क्लोज लाइक अ टाइनी बर्ड Why do you think the last three lines are written in that way? जो ये लास्ट थ्री लाइन्स लिखे हैं ये इस तरीके से क्यों लिखे गए हैं द लास्ट थ्री लाइन्स शो हाउ अ पोम नीड्स टू बी रेड लास्ट थ्री लाइन्स हमें ये बताती है कि एक पोम को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए सेपरेटिंग द वर्ड्स इन टू थ्री डिफरेंट लाइन्स मेक्स द रीडिंग स्लोअर एंड कन्वेज दैट दिस इज हाउ एवरी पोम मस्ट बी रेड लास्ट थ्री लाइन्स में हर एक वर्ड को सेपरेट किया हुआ है तो इससे क्या पता चल रहा है एक पोम को भी इसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए सेपरेट कर कर करके आप एक बार फटफटफट पढ़ लोगे कुछ पल्ले पढ़े नहीं पड़ेगा आपको यू हैव टू रीड वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिच इन सेल्फ ऑफ द पोम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट हैज दिस पोम टॉट यू अबाउट हाउ अ पोम इज बेस्ट रेड स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ स्टोरी एंड रीडिंग अ पोम इन अ शॉर्ट पैराग्राफ तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको इस पोम में बताया गया है कि एक पोम को पढ़ने का सही तरीका क्या है सो दिस पोम टीचर्स दैट अ पोम नीड्स टू बी रेड एंड अंडरस्टूड स्लोली एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पोम हमें ये सिखाती है कि, कि किसी भी पोम को पढ़ने का सही तरीका क्या है उसको धीरे धीरे पढ़ो और वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आती है फर्स्ट रीड में समझ में नहीं आएगी हो सकता है सेकेंड रीड में थोड़ी समझ में आए थर्ड रीड में ज़्यादा समझ में आए तो इट टेक्स सम टाइम एवरी पोम नीड्स टू बी रेड मल्टीपल टाइम्स बिफोर इट कैन बी फुल्ड अप्रिशिएटेड हर पोम को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है बिफोर यू अंडरस्टैंड एंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इट थरूली अटोरी इन कॉन्ट्रास्ट टेक्स जस्ट वन रीडिंग फॉर इट टू बी अंडरस्टूड जबकि शॉर्ट स्टोरी को आपको सिर्फ एक बार पढ़ना पड़ता है और आप उसे समझ जाते हो लेकिन पोम के साथ ऐसा नहीं है यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स टू अंडरस्टैंड ट्रू मीनिंग ऑफ द पोम Right? So that's it. Here we are done with this particular chapter as well. Thank you so much for watching the video. I hope you understood the questions. I hope you understood the summary, explanation, everything. In case you have any doubts, you can write it in the comment section. Now I'm going to see you soon in my next video where we are going to start with the fourth unit of class 8 Gulmoha book. And where will you find all these videos? On our website magnetbrains.com.